सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रघुराज बिराजा, राजसभा रघुराज बिराजा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज किसी चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। अष्ट मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री श्री सुमंत जी महाराज, आप तो जानते हैं, जब ते राम ब्याह घर आए नितनो मंगल मोद बधाई। जब से हमारी चारों पुत्रों का विवाह हुआ है, अयोध्या में चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, उत्साह मनाए जा रहे हैं, मंगल गान गाए जा रहे हैं। इस प्रकार की प्रसन्नता वर्तमान में हमारी अयोध्या में है। सुमंत, ऐसा हम नहीं, ऐसा सिद्धांत कहता है, ऐसा ये शास्त्र कहते हैं कि जिस राजा के राज में वह प्यारी प्रजा दुख पाती है, वह राजा नरक का गामी होता है। विचार कर रहा हूं, कहीं हमारे महलों की ये खुशियों की आवाज इतनी तीव्र तो नहीं हो गई कि हमारी प्रजा में निवास करने वाले उन नर नारियों के दुख को हमारे यह कान सुन ना पा रहे हो। राजमंत्री, इसी कारण से हम विचार कर रहे हैं, ये शास्त्र कहते हैं, ये सिद्धांत कहता है कि जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है, वो राजा नरक का गामी होता है। जासु राजे, जासु राजे, प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवसे नरके अधिकारी, सोनप अवसे। वह राजा नरक का गामी होता है, जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है, वही राजा समाज में सोचनी होता है, वही राजा समाज में निंदनीय होता है। कौन सा राजा, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। सोचिए न पति जो नीति न जाना, जे ही न प्रजा, जे ही न प्रजा, प्रिय प्राणे समाना, जाही न प्रजा। जिस राजा को यह प्यारी प्रजा निज प्राणों की भांति प्रिय नहीं होती, निज पुत्रों की भांति प्रिय नहीं होती, वो राजा समाज में सोचनीय होता है। इसलिए राजमंत्री, आज हम अपने सेनागार से सीधे ही देखिए, माताएं बहनें कम से कम
आप लोग तो कुछ रामलीला देखकर जाएं, अभी तो डांस ही हुआ है और राम चाहिए। लेकिन सुख प्राप्त कैसे होता है, सुख प्राप्त कैसे हो? सुख इस संसार में सभी को चाहिए। यदि सच्चा सुख व्यक्ति को जीवन में चाहिए तो जीवन में जितना बड़ा त्याग होगा उतना बड़ा सुख व्यक्ति के जीवन में होगा। जहां पर त्याग है वहीं पर सुख है, सच्चा सुख। राजमंत्री, हम अपने सेनागार से सीधे सिंहासन की ओर चले आए, ये समय कहता है। इसलिए ऐसा आभास करते हैं कि हमारे यह पूर्वजों का ताज आज कुछ टेढ़ा सा है, सो दर्पण की व्यवस्था की जाए। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। राजमंत्री, आज हम दर्पण में अपने ताज को सीधा कर रहे थे, आज हृदय में यह विचार आए कि संसार में यदि व्यक्ति का सबसे बड़ा कोई सच्चा मित्र हो सकता है तो वह केवल दर्पण है, जो बिना किसी भय बस, बिना किसी लोभ बस, बिना किसी स्वार्थ बस आपके जीवन की सच्चाई आपसे कह देता है। जैसे ही हमने दर्पण को अपने मुख के समीप किया, ताज सीधा किया, दृष्टि कानों के समीप बालों की ओर पहुंची तो पाया कि श्रवण समीप भय सुत के सा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। ये कानों के समीप के बाल यह उपदेशित कर रहे हैं कि राजा दशरथ बस ठहर जाओ, अब तुम्हारा चौथापन आ गया, तुम्हारा बुढ़ापा आ गया और तुम अभी भी सिंहासन पर बैठे हो, करना क्या चाहिए? हाँ, ये तो सिद्धांत भी कहता है कि चौथे पन जाइए नृप कानन। चौथे पन में व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर वन प्रखंड स्वीकार करना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए। विचार करता हूं कि मैंने तो इस सिंहासन पर बैठकर अपने जीवन में बहुत से कार्य किए हैं, सब कुछ प्राप्त किया है, लेकिन इस संसार में जो चाहिए, जिस कारण यह शरीर मिला, क्या उसके लिए हमने कुछ किया? तो देखता हूं कि आज हमारा जीवन उसी प्रकार से रिक्त है, क्योंकि यह साधन, साधन के रूप में शरीर प्राप्त हुआ है और लक्ष्य है परमात्मा, मार्ग हम तय कर रहे हैं। राजमंत्री, मंत्री आता है वह ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अभिवृद्धि अवस्था बाकी है, तरुणाई पड़। गनी रहा परसों तक दासी दास रहे, परसों तक दासी दास रहे, परसों महलों में मगन रहा, परसों तक दासी। बस अब यह हृदय कहता है, यह छोड़ी छाड़ी जग के झगड़े, यह छोड़ी छाड़ी जग के झगड़े, यह छोड़ी छाड़ी जग के झगड़े, बंदा तलाश कर मुक्ति का, यह छोड़ यह छोड़ यह छोड़ छाड़ जग के झगड़े, बंदा तलाश कर मुक्ति का।
नादाने प्याज की चाह तुम्हें, नादाने प्याज की चाह तुम्हें, खोए देता है पूजी का नादाने प्याज की। अधिक लोभ ब्याज की चाह में मूल धन को भी व्यर्थ गवा देना, ऐसा सुंदर समय हम अपने जीवन से जाने नहीं देंगे। विचार करते हैं हमारा ज्येष्ठ पुत्र राम इस समय सब विधि से सुयोग्य हो चुका है, क्यों ना हम अपने जीवित रहते अपनी इस प्यारी अयोध्या को एक नया युवराज अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के रूप में देकर अपने पूर्वजों की भांति परमात्मा का भजन जाकर उस वन प्रखंड में करूं। बस यह विचार है। अब हम अपने श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपने इन विचारों को रखेंगे, अवश्य ही हमारे वो इस मनोरथ को पूर्ण करेंगे। आज के राज दरबार को यहीं पर विसर्जन कर दिया जाए। यह विचारू रे नृप सुदिन सुअवसरूपाय प्रेम पुलकित मुदित मन गुरही सुनायव जा कहाँ भुआ कहाँ भुआ सब विधि सब लायक कहाँ भुआलू कहाँ भुआलू कहाँ भुआ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार में गुरु की महिमा तो विशेष है। यदि एक व्यक्ति से वह परमात्मा रुष्ट हो जाए तो गुरु के चरणों में वह सामर्थ्य है कि उस व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। लेकिन यदि उसी व्यक्ति से निज गुरुदेव भगवान रुष्ट हो जाए तो फिर परमात्मा में भी वो सामर्थ्य नहीं कि उस व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सके। तभी तो कह दिया गया गुरु विरोध नहीं को जगत रहता। श्री गुरुदेव भगवान आपके चरणों में आपका यह दास सेवक दशरथ बारंबार प्रणाम करता है। आज मेरा सौभाग्य कि आपके चरणों की रज मेरे मस्तक का चंदन बनी। श्री गुरुदेव भगवान आदि देव गुरु आदि देव गुरु देव हमारे आदि देव गुरु देव हमारे जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे चरण तुम्हारे मैं जाऊं कहाँ तज
चरण तुम्हारे। आदि देव गुरुदेव हमारे, आदि देव गुरुदेव हमारे, जाऊ कहत जी चरण तिहारे, जाऊ कहत जी चरण तिहारे, जाऊ कहत जी चरण तुम्हारे। भंजन अमी नयन तक दोष विभंजन, जाऊ कहाँ तज चरण तुम्हारे। श्री गुरुदेव भगवान देखे, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। प्रणाम यदि किया है तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद भी है, मंगल की कामना करते हैं। कहो गुरु सदन में आने का कोई विशेष कारण होगा, हमें स्पष्ट करें जानना चाहते हैं। देवता देख रहे हैं मेरा चौथा पन चल रहा है, मेरा बुढ़ापा आ चुका है, विचार कर रहा हूं क्यों ना मैं अपने जीवित रहते, मेरे हृदय में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। राजन वो जानना चाहता हूं कौन सी अभिलाषा है। सर्वप्रथम मेरे जीवन की ओर देखें। गुरुदेव उतरता अभी जाता है, सर से वह प्रेत जवानी का देखिए सूखता जाता है, अब अपना खेती जवानी का देखिए सूखता। तरुणावस्था अभिरानी है और प्रति अवस्था बांधी है, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांदी है, चांदी है मेरे सोने ही। सो देवता पिछले पुरखों की तरह नाथ अब मुझे तपोवन जाने दे, हो गया राज्य के योगग्राम, बस उसको ही राज चलाने दे। देवता मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं क्यों ना अपने जीवित रहते इस अयोध्या को एक नया युवराज राम के रूप में दे दूं, फिर ना सोच तन रहाई की जाए। राजेंद्र ये तुम्हारा विचार उत्तम ही नहीं अतुत्तम, अतुत्तम ही नहीं अभी तो मैं तो ये कहूंगा कि सर्वोत्तम विचार है, इसलिए बेग विलंब न करिए नृप और साजी सभी समाज, सुदिन वही दिन सुंदर दिन होगा, वही समय सुमंगल होगा, कब जब राम हो ही युवराज। अब हमारी ओर से तुम्हें इस कार्य में सम्मत प्राप्त हो चुकी है, अब हम चाहते हैं कि प्रजावर्ग से भी इस कार्य में तुम पूर्ण सहमत प्राप्त कर लो, तुम्हारा महामंगल हो, कल्याण हो। वाह, आज हमारा नाम सार्थक आपने कर दिया। अवश्य आपके द्वारा कहा गया जो पांचे मत लागे नीका, अवश्य मैं अपने मंत्रियों से जाकर इसमें राय लूंगा।
श्री गुरुदेव भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार। तुम्हारा महामंगल हो, कल्याण हो। सेवक सचिव सुमंत। महाराज कीजिए। सुमंत जी, महाराज मैंने इस अयोध्या में अपने राम को युवराज बनाने के विचार हमारे हृदय में जन्म लिए, श्री गुरुदेव भगवान की सहमति प्राप्त हो गई है। कहो तुम क्या चाहते हो, इस अयोध्या का युवराज राम को बनाया जाए? क्यों नहीं महाराज, जो पाचा ही मत लागे निका, आपने कहा कि राम को राजा बनाया जाए, हम सभी मंत्रियों का भी यह मत है कि जितना शीघ्र हो उतना शीघ्र राम जी को राजा बनाया जाए। और गुरुदेव के द्वारा आदेश भी प्राप्त हो गया तो हम भी चाहते हैं, तो आप शीघ्रता अवश्य जाओ श्री गुरुदेव भगवान के समीप जाकर हमारा एक निवेदन। और जैसा कई कार्य विशेष है युवराज बनाने में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो श्री गुरुदेव भगवान से पूछ लेना, एक निवेदन कह देना कि हमारे राम के कनक भवन की ओर जाकर राजा बनने से पूर्व जो नियम संयम करने होते हैं वो राम को बतलावें तो महान दया हो। तब आए राम धाम सिख देन पठाए, राजमंत्री सुमंत्री जी तुम्हारा महामंगल हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुर सदन में आने का कोई विशेष कारण होगा? प्रणाम आपने बाद में किया, पहले आशीर्वाद हमने दे दिया है, बतलाएं आने का कारण क्या है? देवता कहे राम जी के राज अभिषेक में जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता हो, जो हमारे यहाँ ना हो बाहर से मंगवानी हो। आनव सकल सुतीरथ पानी, सर्वप्रथम समस्त तीर्थों के जल को एकत्रित करना है। इतना ही नहीं राजमंत्री सुमंत्र जी, औषधि मूल फूल फल पाना, यद्यपि ये तो औषधियाँ ये सब मिल जाएंगी अयोध्या में ही, और सफल रसाल फूक फल खेरा, रोपव बीथन पुरचो फेरा। अयोध्या की प्रत्येक बीथियों में आम सुपारी केले के वृक्षों का रोपण करना है। चामर चरम बसन बहु भाती, रोम पाट पट अग्नित जाति, अनेक प्रकार के मृग चर्म और चमर जो लगता है, और ऊनी और रेशमी वस्त्र ये एकत्रित करना है। राजमंत्री सुमंत्र जी बाजार को पूर्ण रूप से सजाना है। रचहु मंजुमन चौके चारु, कहु बजावन बनावन बेग बजारू, और अनेक प्रकार की रंग बिरंगे चौके परवानी है। इतना ही नहीं ध्वज पताक तोरण कलश सजव तुरक रघुनाथ, हाथी घोड़े ये सभी पूर्ण रूप से सुसज्जित किए जाए। और कुछ कहा महाराज ने? हाँ प्रभु। क्या महाराज ने कहा है कि राम अभी अबोध है। अवश्य, क्यों नहीं उनके कनक भवन में हमारे आने की सूचना पहुंचाओ। हम अति शीघ्र ही उनके कनक भवन में पहुँच करके उन्हें जो संयम होते हैं अवश्य उन्हें उन संयमों से अवगत कराएंगे। जाओ ये हमारा संदेशा पहुँचाओ। जय राम धाम सिख देन पठाए, गुरु आगमन सुनत रघुनाथ। राम जी आपके भवन की ओर गुरुदेव भगवान का सेवक के द्वारा सूचना मिली, पूज्य गुरुदेव जी का आगमन आज हमारे गृह में हो रहा है। जानकी तुम्हारे लिए आदेश है, तुम अविलंब आरती की थाल सजाओ, हम स्वयं चलकर उनका स्वागत करेंगे। द्वार आई पदनायब माथा, कहे चरण सिय
सहित बहोरी बोले राम कमल कर जोरी बोले राम कमल कर जोरी। सेवक के घर में स्वामी का आगमन मंगलों का मूल एवं अमंगलों का नाश करने वाला है। आज हमारा जीवन धन्य हो गया दीनानाथ। सेवक सदन स्वामिया गमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। आज मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भाग्य से मेरे हुआ है आगमन श्रीमान का। घर में बैठे भक्त को दर्शन मिला भगवान का। दीनानाथ किस प्रकार आपका मैं वंदन करूं। सेवक के घर स्वामी सुआगम मंगलदायक वेदनिगाय आज पवित्र भयो मम भवन कृपा करी जो प्रभु दर्श दिखा। चरणों की रज को मस्तक धरूं मैं वंदन करूं अभी नंदन करूं मैं पैया परूं तुम्हारी बिनती करूं मैं पैया परूं तुम्हारी बिनती करूं मैं चरणों की रज को मस्तक धरूं मैं वंदन करूं अभी नंदन करूं मैं पैया परूं तुम्हारी बिनती करूं मैं पैया परूं तुम्हारी बिनती करूं मैं हो काज नाथ असनीति चरणों की रज को मस्तक धरूं मैं वंदन करूं अभी नंदन करूं मैं पैया परूं तुम्हारी बिनती करूं मैं पैया परूं तुम्हारी विनती करूं मैं। अवश्य ही आपका आग
आगमन किसी न किसी हेतु को लेकर हुआ होगा। भगवान आयसु हो ऐसो करम गोसाई, आयसु हो ऐसो करव आयसु हो सेवक लहन स्वामी सेवकाई, चरणों की रज को मस्तक धरूं मैं, वंदन करूं अभी नंदन करूं मैं, पैया परूं तुमरी बिनती करूं मैं, पैया परूं तुमरी बिनती करूं मैं। पैया परूं तुमरी बिनती करूं मैं, बिनती करूं मैं, बिनती करूं मैं। आज हमारे अहो भाग जो पूज्य गुरुदेव जी महाराज के दर्शन हमें प्राप्त हुए, तो क्यों ना हम इनके श्री चरणों में प्राणायाम करके अपने जीवन को कृतार्थमय करें। हे गुरुदेव, आप तो समस्त संसार के हृदय रूपी नगरी में जो पुष्प रूपी कमल है उसको खिलाने वाले हैं, तो आज देवता आज हमारे और अंतर का जो कमल रूपी पुष्प है उसे भी आप खिला दें। देवता कृपा करें। और का कमल खिला दो, हे देवता कि और का कमल खिला दो, संसार के हे स्वामी करती प्रणाम तुमको, गुरुदेव नमामी। और का कमल खिला दो, और का कमल खिला दो, संसार के स्वामी करती प्रणाम प्रभु को,
गुरुदेव को नमामि, करती प्रणाम प्रभु को गुरुदेव। अहम तो मंदिर। तुम दोनों को शुभाशीष है, आने का एक ही कारण है तुम्हारे कनक भवन में, क्योंकि तुम्हारे पिता श्री महाराज दशरथ जी धूप सजे हूँ अभिषेक समाजू चाहत देन तुम्हें जुवराजू, तुम्हें अयोध्या के युवराज पद पर आसीन करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि राम करहु सब संयम आजू, तुम वो सारे संयम और नियम करो जिससे कि जय विद कुशल निभाए काजू, जिससे विधाता इस कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कर दे। बस इसीलिए मेरा आना हुआ है। तुम्हारा महामंगल हो, कल्याण हो। अब हम पुनः तुम्हारे पिताश्री के भवन में जा रहे हैं। महामंगल। गुरु सिख दे राम पई गया वो हा।